आज मैं आपको सीडलेस तरबूज काटना सिखा रही हूँ। मैंने तरबूज को हाफ कर लिया है और सबसे पहले आप इसके बाहर से छिलका निकाल देंगे। इसका वाइट पार्ट भी एकदम साफ करके निकालें। इसका वाइट भाग भी एकदम सफाई से निकाल लें। ये हमने पूरा साफ कर दिया है, थोड़ा जो वाइट पार्ट रह गया उसको अच्छे से हटाते हैं। अब ये निकल गया है। अब ये साफ हो गया तरबूज। अब इसके साइड से काटना शुरू करेंगे। पहले हम सीडलेस तरबूज काटने के लिए इसमें सीड्स बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर आएंगे वो आप आराम से निकाल पाएंगे। देखिए इसके बहुत बारीक तरबूज के बीज हैं और जब हम तरबूज खाते हैं तो बार बार बीज मुंह में आने से हमारे स्वाद खराब हो जाता है। ये आपने काट लिया, देखिए बिल्कुल क्लियर पीस निकल कर आया। ये है जैसे इसमें ये बीज में बीज हैं, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से साइडों से काटना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखिए इसके सेंटर में यहाँ पर ऐसे लाइन में बीज होते हैं तो उसको आप आराम से फिर निकाल पाएंगे। जैसे इस तरह से आप निकालते जाएं। ये देखिए पूरा क्लियर निकल गया है। बाद में इसको पीसेस में काट सकते हैं। अब ये जैसे बीच में सेंटर में आ रहे हैं आप इसमें बीच में कट लगाएंगे तो ये बहुत सफाई से आप इसको साफ कर पाएंगे। ये देखिए जबकि इस वाले तरबूज में बीच बीच में बीज हैं। इसी तरह से चारों तरफ से हमने काट दिया, बीच का ये पोर्शन रह जाएगा। ये देखिए इसको इस तरह से आपको काटना पड़ेगा। जो बड़े बीज वाला तरबूज होता है उसमें तो बहुत ही सफाई से निकल जाता है क्योंकि उसके बीज बड़े होते हैं और एक साल काफी सारे होते हैं तो आराम से आप निकाल पाएंगे। अब ये बीज का पार्ट रह गया है, बीज ही पार्ट को भी आप इसी तरीके से काटना शुरू करेंगे। ये देखिए इसमें बीज है तो अब सबसे पहले इसके दो हिस्से कर लें। ये बीच में जहाँ जहाँ आपको बीज दिख रहे हैं वो पार्ट को कट करके निकालना पड़ेगा। ये इस तरीके से इस तरीके से इसके भी पार्ट निकाल के आप इसी तरह कट करेंगे। ये बीच का पूरा पार्ट आपका साफ निकल आएगा। इसमें भी आप चेक कर लें कट मार के कि आपका ये देखिए बिल्कुल साफ है। इस पार्ट में भी चेक कर सकते हैं, यदि शक हो तो बीच में कट भी लगा सकते हैं। अब ये वाले पार्ट को आप बीच में से कट करके बीज निकाल। केवल इसके ये बीज के पार्ट में आपको थोड़े बहुत बीज मिलेंगे क्योंकि इस वाले तरबूज में अलग अलग बहुत छोटे छोटे से अंदर अंदर बीज हैं क्योंकि पका हुआ नहीं है शायद।